राजस्थान में विधायकों के दल बदल और खरीद फरोख्त को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि खरीद फरोख्त ने लोकतंत्र के मूल भाव को प्रभावित किया और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीएम गहलोत ने चिंता जताते हुए कहा कि यह न केवल किसी एक पार्टी के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। गुजरात में कहर मचाने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय राजस्थान में भी अपना रंग दिखा रहा है। बता दें कि राज्य के कई इलाकों में शुक्रवार रात से ही तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए तो कई इलाकों में बिजली नहीं आ रही। इसके अलावा प्रदेश के कई जिले जलमग्न हो गए और वहां बाढ़ जैसे हालात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में जहां पीएम ने बिपरजॉय तूफान और देश में लगे इमरजेंसी की बात की, वहीं जयपुर में इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और विधायक मदन दिलावर ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इसके अलावा पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मन की बात इस बार एक सप्ताह पहले हो रही है क्योंकि अगले सप्ताह मैं अमेरिका प्रवास पर रहूंगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अब एक्टिव मोड में आ गई है। इसी क्रम में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ श्री गंगानगर में चुनावी शंखनाद किया। अपने संबोधन में दोनों नेताओं ने राज्य में फैले भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बिजली पानी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए गैर ब्राह्मणों को मंदिरों में पुजारी बनाया है। बता दें कि राज्य के देवस्थान विभाग ने 22 पुजारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, जिसमें 8 महिला पुजारी भी शामिल हैं। देवस्थान विभाग के मंदिरों में न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि एससी एसटी और ओबीसी पुजारी भी सेवा पूजा करेंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस सूची में 11 आईपीएस अधिकारी और 2 आईएएस अधिकारी हैं। इन 2 आईएएस अधिकारियों को पाली और बांसवाड़ा संभाग के अतिरिक्त प्रभार देते हुए विशेषाधिकारी लगाया गया। बता दें कि चुनाव से पहले सरकार का यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जयपुर के सांगनेर में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए आवंटित भूमि को लेकर जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में अल्पसंख्यक छात्रावास को आवंटित जमीन को लेकर हिंदुवादी संगठनों में गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए देहलवास बालाजी मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि हिंदू बाहुल्य इलाकों में अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जा रहा है। राजधानी जयपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक महिला अपने 3 बच्चे और पति को छोड़ प्रेमी के साथ भाग गई। जब पुलिस ने थाने में महिला से पति और बच्चों को मिलाया तो उसने सभी को पहचानने से इनकार कर दिया। वहीं महिला को समझाने के लिए सास ससुर ने भी कई बार प्रयास किए, लेकिन वो नहीं मानी और उसका कहना है कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी। बूंदी जिले के लाखेरी थाना पुलिस ने नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोटा के अनंतपुरा से गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने नाबालिग बालिका को भी दस्तयाब किया। थानाधिकारी महेश करवाल ने बताया कि लाखेरी निवासी फरियादी ने रिपोर्ट की थी, उसकी नाबालिग पुत्री नहीं मिल रही, जिस पर टीम गठित कर दबिश दी तो आरोपी दिनेश कोटा में मिला।